नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही, जहां देखा गया है आज के समाचारों में सबसे प्रमुख समाचार जो प्रमुखता से छापा गया है शिक्षा विभाग का, उसमें सितंबर से शुरू हो जाएंगे 350 सीएम राइज स्कूल। तो दोस्तों एक बड़ी खबर है, जहां सीएम राइज स्कूल प्रारंभ हो जाएंगे इस वर्ष सितंबर माह से, वही दूसरे चरण में 8500 सीएम राइज स्थापित होंगे। तो दोस्तों ये सीएम राइज स्कूल तेजी बन से प्रारंभ होंगे, तो इसी न्यूज को हम डिटेल में जानते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए। चलिए अब हम इस न्यूज को डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों इसमें जानेंगे, जैसा कि हेडिंग दी गई है, अलग से होगी कर्मचारियों की नियुक्ति। तो दोस्तों इसमें सीएम राइज स्कूलों को जहां ट्रांसफर से भी अलग रख दिया गया है, वहीं इन सीएम राइज स्कूलों में अलग से नियुक्ति होगी। तो लगता है संभावित नई भर्ती के द्वारा इसमें टीचर आएंगे और इसके लिए शायद विभागीय परीक्षा भी होगी सीएम राइज स्कूल के लिए। इसे हम डिटेल में जान रहे हैं। जैसा कि आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है कि विद्यार्थियों के अच्छे भविष्य के लिए प्रदेश में खोले जाने वाले 9200 सीएम राइज स्कूलों में से 350 सीएम राइज सितंबर से शुरू हो जाएंगे, जो पढ़ाई और सुविधा के मामले में नामचीन निजी विद्यालयों को टक्कर देंगे। इनमें बच्चों के लिए परिवहन, खेल कूद, संगीत, तैराकी से लेकर के तमाम तरह की सुविधाएं होंगी। इनमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करने के लिए विभिन्न खेल एवं प्रतियोगिताएँ कराई जाएंगी। स्कूल आने जाने के लिए स्कूल के वाहन की व्यवस्था की जाएगी। यह सुविधा कम से कम 1 किलोमीटर से दूरी से आने वाले बच्चों को मिलेगी। हालांकि अभी स्कूल पुराने भवनों में ही संचालित होंगे। सब सुविधायुक्त भवन 3 साल में तैयार करने का लक्ष्य है। इन स्कूलों में कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी अलग से होगी। तबादला नीति भी हर स्कूल निर्धारित मानक पूरे करे, इसलिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP भी तैयार की गई है। अधिकारियों के अनुसार सीएम राइज स्कूल जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ेंगी उनमें का दायरा भी बढ़ेगा और इनकी 15 किलोमीटर परिधि में स्कूलों की समाहित किया जाएगा। वैसे तो यह स्कूल एक ही परिसर में चलाना है, पर विशेष परिस्थितियों में दो परिसर भी किए जा सकेंगे। ये स्कूल हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाए जाएंगे। इनमें निजी स्कूलों की तरह KG व नर्सरी कक्षाएं भी शुरू होगी। मालूम हो कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 9200 स्कूल तैयार कर रही है। सूची मंजूर होते ही शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो दोस्तों एक बड़ी खबर है, जहां देखा गया है नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो नई भर्ती से शायद इसमें जो शिक्षक आ सकते हैं सीएम राइज स्कूल में, वहीं देखा गया है कि ये विद्यालय दो परिसर में भी अभी संचालित होते रहेंगे, लेकिन जैसे ही 3 साल के अंदर इनका भवन बन जाएगा तो उसी में एक साथ चलेंगे और साथ में 2 हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के साथ भी चलेंगे ये स्कूल। साथ में दोस्तों दिया गया है दूसरे चरण में खुलेंगे 8500 स्कूल। तो पहले चरण में जहां 350 स्कूल इसी वर्ष प्रारंभ हो रहे हैं, वहीं नेक्स्ट 8500 और उसके बाद अगले 2 साल में 350 स्कूल खोले जाएंगे। तो दोस्तों पहले चरण में जो KG 1 से लेकर के 12वीं तथा दूसरे चरण में KG से 12वीं, वहीं KG से 10वीं व KG से 8वीं क्लास के स्कूल खोले जाएंगे। तो दोस्तों सीएम राइज के तहत जहां देखा गया है कि 1 से लेकर KG से लेकर 12वीं तक रहेगा, वहीं KG से लेकर 8वीं और KG से लेकर 10वीं तक भी स्कूल खोले जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से इनका दायरा बढ़ाया जाएगा और हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा। ऐसे ही शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।